गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बाल मनोविज्ञान का 7वां लेक्चर है। कल हमने जीन पियाजे के 2 सिद्धांत को देखा था, साथ ही हम समावेशी शिक्षा को समझ रहे थे। आज हम समावेशी शिक्षा से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है समावेशी शिक्षा? कल हम देखे थे कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें हम सभी प्रकार के बच्चों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आप जैसा कि कल हम देख रहे थे कि ये ऐसा क्लासरूम है जहां पर सभी प्रकार के बच्चों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये सारी चीजें हम देख चुके थे, आज हम क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है। तो जो आपका समावेशी शिक्षा है वो किसकी ओर संकेत करता है, ये हमें समझना है। तो पहला ऑप्शन है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करना। क्या ये सही होगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं आप उनके लिए एक अलग सा स्कूल बनाएं? तो ये गलत होगा। समावेशी शिक्षा जो है वो इसका क्या करता है, विरोध करता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखेंगे, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर देता है। बिल्कुल गलत बात है। हमारा जो समावेशी शिक्षा है वो केवल बालिका की शिक्षा पे बढ़ावा नहीं देता है, वो बालक बालिका दोनों की शिक्षा पे बढ़ावा देता है। समावेशी शिक्षा मानता है कि समान शिक्षा सभी के लिए शिक्षा, इनका एक कथन भी है जो है सभी के लिए समान शिक्षा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सिर्फ क्या करेगा, बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा। दूसरा पॉइंट है आपका, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करता है। ठीक है, ये भी सही बात है, जितने भी निर्योग्य बच्चे हैं उनको शामिल करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल निर्योग्य बच्चे को शामिल करे, तब भी हम इसको नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें लिखा है सिर्फ निर्योग्य बच्चे, जरूरी नहीं है। समावेशी शिक्षा है वो क्या करता है, जो शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और जितना भी या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जैसे भी पिछड़े बालक होंगे या सामान्य बालक होंगे, समावेशी शिक्षा क्या करता है, उन सभी बालकों को शामिल करता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही ना समझने का प्रयास करिए, क्या है, एक एग्जाम्पल है कि आपका एक क्लासरूम है समावेशी शिक्षा का, जहां सभी प्रकार के बच्चों को क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है किन के लिए की जाती है, सामान्य बालकों के लिए? हाँ, आपका जो समावेशी शिक्षा है वो सामान्य बालकों के लिए क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट बालकों के लिए भी की जाती है, ऑप्शन सी है, दोनों प्रकार के लिए। हाँ ये भी सही है, किसी के लिए नहीं, ये गलत बात है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके सी ऑप्शन में, आपका ए बी दोनों आ गया, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, सी। तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है किनके लिए, आपके सामान्य बालकों के लिए भी और विशिष्ट बालकों के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इमेज के द्वारा समझिएगा, ये कौन है आपके, ये सामान्य बालक है। सामान्य बालक जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ठीक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सामान्य बालक कहा जाता है। ये क्या है, ये बालक जो है वो थोड़ा शारीरिक रूप से सामान्य नहीं है, ये क्या आपकी विशिष्ट बालक है। तो समावेशी शिक्षा क्या करता है, आपके सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को ही शामिल करता है। तो ये हमारा समावेशी शिक्षा की क्या है, विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ये भी आना चाहिए कि समावेशी शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ, इसकी जरूरत कैसे पड़ी। तो इसका कारण ये है कि समावेशी शिक्षा वास्तव में एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षा है, ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, ये सभी को समान शिक्षा देता है। तो इसका सर्वप्रथम आरंभ की बात करें तो कहाँ हुआ था, आपके यूरोप में हुआ था, लेकिन अमेरिका ने क्या किया था, इसका बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अगर पूछे सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा आपका यूरोप इज करेक्ट आंसर होगा, मतलब यूरोप में ही समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते चलेंगे इसी क्वेश्चन के माध्यम से। ये क्या है आपका,
यूरोप है। यूरोप को दर्शा रहा है कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा कहाँ देखा गया था, आपके यूरोप में देखा था। इसके अलावा देखिए, हमारे समावेशी शिक्षा से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम कर रहे हैं। इसके पहले भी कक्षा अगर आप नहीं देखे हैं तो वो कक्षा आप जरूर देखें, क्योंकि वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कक्षा है, उसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए गए हैं। 19वीं शताब्दी में अमेरिका तथा यूरोप में अपंग बालकों की समावेशी शिक्षा हेतु क्रमबद्ध प्रयास क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। यहाँ पर अपंग बालक थोड़ा निगेटिव वर्ड हो जाता है, उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है दिव्यांग बालक, है ना। तो हमेशा आप इस चीज के लिए हमेशा कहा जाता है, रोक लगाया जाता है, अपंग बालक नहीं बल्कि दिव्यांग बालक वर्ड यूज किया जाता है। तो 19वीं शताब्दी की बात है जब अमेरिका और यूरोप में क्या हुआ था, समावेशी शिक्षा हेतु क्रमबद्ध प्रयास किया गया था। इन्होंने मिलकर इस हेतु आर्थिक रूप से क्या किया था, प्रयास किया था। विशिष्ट शिक्षा के जन्मदाता यूरोप के चिकित्सक ही थे। क्या लिखा है, विशिष्ट शिक्षा के जन्मदाता। अब देख लीजिए, शिक्षा क्या होती थी पहले, ऐसी हुआ करती थी कि जो सामान्य शारीरिक रूप से ठीक है, मानसिक रूप से ठीक है, वो सभी बच्चे क्या कर सकते थे, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे नेत्रहीन है, शारीरिक रूप से क्या है, दिव्यांग है, कहीं कुछ परेशानी हो गई, देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो वो अपनी शिक्षा कैसे करें। तो उन सभी शिक्षा को दिलाने के लिए, उन्हें शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए ही क्या आया, आपका समावेशी शिक्षा आया। और समावेशी शिक्षा के लिए आपके अमेरिका और यूरोप ने क्या किया, मिलकर क्रमबद्ध रूप से प्रयास किया। अमेरिका वासी समय समय पर, यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करूंगी, विशिष्ट शिक्षा के जन्मदाता यूरोप के चिकित्सक थे, किंतु अमेरिका वासी समय समय पर यूरोप में शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के विकास से संबंधित ज्ञान ग्रहण करते रहे। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो यूरोप के जो चिकित्सक थे उन्होंने क्या किया, इसका प्रारंभ किया। लेकिन इसे और ज्यादा ब्रॉड रूप से करने के लिए, इसे और ज्यादा विकसित करने के लिए किसने प्रयास किया, आपके अमेरिका ने प्रयास किया। अगर आपको ऑप्शन में यूरोप ना मिले तो क्या करेंगे आप, अमेरिका को टिक करेंगे, और अगर अमेरिका और यूरोप दोनों मिले तो आप यूरोप को टिक करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट बालक होते हैं, कौन होंगे आपके विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालक में आपके क्या होंगे, प्रतिभाशाली बालक भी होंगे, मंद बुद्धि बालक भी होंगे, और बाधित बालक भी होंगे। तो ये क्या है, आपके विशिष्ट बालक है। अब देखिए, विशिष्ट बालक क्या होते हैं ना, जो सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग होते हैं। जैसे अब यहां पर मान लीजिए प्रतिभाशाली वर्ड यूज हुआ है, अब ये क्या होते हैं, ये या तो ज्यादा समझदार होंगे, ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, तो ये क्या होंगे, आपके विशिष्ट बालक। कभी कभी क्या होते, कोई बच्चे जरूरत से ज्यादा ही क्या हो जाते हैं, आईक्यू उनका तेज होता है, ज्यादा ही समझदार हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, आपके विशिष्ट बालक होते हैं। मन बुद्धि बालक, जिनका क्या होता है, आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, एक का तो आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है इसलिए वो सामान्य बालक से अलग हो जाता है, और एक का आईक्यू लेवल बहुत कम हो जाता है इसी कारण ये सामान्य बालक से कम हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ये आपका क्या, मंद बुद्धि बालक है। बाधित बालक, जो शारीरिक रूप से किसी न किसी रूप से जिसमें बाधा पड़ रही हो, तो ये सभी क्या होंगे, आपके विशिष्ट बालक में आएंगे। देखिए, अब आप देख लीजिए, ये कौन है, आपके प्रतिभाशाली बालक है, कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है ये लोग। ठीक, ये कौन बच्चे हैं, ये आपके बाधित बालक है, जो शारीरिक रूप से परेशान है, और ये आपके क्या है, मन बुद्धि बालक का एक एग्जाम्पल है, जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा क्या है, सामान्य से कम है। जो भी बच्चा सामान्य से या तो बहुत अधिक हो, या सामान्य से बहुत कम हो, या थोड़ा अलग हो, तो ये सब क्या आते हैं, आपके विशिष्ट बालक में आते हैं। अगला सवाल देखेंगे, बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू है। देखिए, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम ये किनके लिए है, आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, जिसमें बच्चा क्या होगा बताइए, इसमें बच्चे को हम क्या करेंगे, निशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। तो ये आपका निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार है, इसको वर्ष याद रखिएगा, ये 6 से आपका 14 वर्ष का है। अगला देखते हैं, अब ये कौन है आपके, ये सामान्यतः 6 वर्ष के बच्चे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, निशुल्क शिक्षा इन्हें देते हैं, और ये आपके क्या है, 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, मतलब आपके ये 8 क्लास तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक,
तो ये हमारे निःशुल्क एवं उसका अनिवार्य शिक्षा का एक एग्जाम्पल है। आप कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, आप उन्हें अध्ययन करने से नहीं रोक सकते, आप उन्हें उनका शिक्षा देने से नहीं रोक सकते, क्योंकि इसका अर्थ ही समझिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इस अधिकार से आप किसी भी बच्चे को क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते या वंचित नहीं कर सकते। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता? निःशक्त बच्चे पर ये तो लागू होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर भी लागू होता है, 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं होता है, और जो बच्चे की नियमित उपस्थिति वो भी सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है ना, कि जो भी बच्चे होंगे उन्हें क्या करेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि जो बच्चे निःशक्त रूप से होंगे, जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच होगी, और जो नियमित रूप से उपस्थिति में हो या ना हो, इन सभी के लिए क्या करता है, कुल मिला के शिक्षा का अधिकार इन्हें देता है। यहाँ पर लिखा है 14 से 18 वर्ष के बच्चे, तो नहीं, ये जो शिक्षा है वो केवल आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। अनिवार्य शब्द का आपको अर्थ बताना है। आप देख सकते हैं कि सवाल कैसे बनेंगे आपके 2009 से, किस तरह के सवाल बनेंगे, तो ऐसे ही आप क्वेश्चन से क्या करें, समझने का प्रयास करें। केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना, ठीक है, चलिए देखते हैं। अनिवार्य का मतलब केवल ये नहीं हो सकता। उचित सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। दंडनात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है वो परिवार को दंड से, मतलब परिवार जो बच्चे पर क्या करते हैं, दंडात्मक रूप से व्यवहार करते हैं, उनसे बचाने के लिए अभिभावकों पर क्या कर रहा है, जोर डाल रहा है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है, तो कौन सा होगा ऑप्शन इसमें, इसका ऑप्शन होगा डी। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से क्या की जाती है, आपको प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डालना, ये बहुत गलत बात है, दंड की बात तो बिल्कुल नहीं करता आपका शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये बहुत अच्छा है, ये आपका किसका सिद्धांत बचा रहा है, ये समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा हमने देखा था ना, तो ये क्या आपका समावेशी शिक्षा को दर्शा रहा है, कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। यहां पर हमने पढ़ा था कि सभी के लिए समान शिक्षा क्या होगा, आपका समावेशी शिक्षा होगा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा और सशक्तिशील शिक्षा, ये सब हमने देखा ही नहीं है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा जो है उसका सिद्धांत क्या है, सभी के लिए समान शिक्षा या सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप समावेशी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, आप एज अ टीचर क्लासरूम में सभी प्रकार के बच्चों को शामिल किए हुए हैं, तो आपका क्या फर्ज बनेगा, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, ये तो गलत बात है, व्यवसाय जानकर आप क्या करेंगे, उनसे ज्यादा पैसा लेंगे क्या, नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। समावेशी शिक्षिका, समावेशी कक्षा की जो टीचर होगी वो कभी इस तरह का काम नहीं करेगी, ये गलत है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, हाँ ये बिल्कुल सही हो सकता है, कि अगर हम बच्चे की जो संभावना है उसको प्राप्त करने का अवसर मिले। अवसर क्या होता है, एक पॉजिटिव वर्ड है, याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान क्या है, बच्चों के अगेंस्ट बात नहीं करता, हमेशा उन्हें अवसर देने की बात करता है, उन्हें प्रोत्साहित करने की बात करता है, उन्हें मोटिवेट करने की बात करता है, तो ये क्या है आपका समावेशी शिक्षा है। जहां पर अवसर आए वहां पर आप आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा आंसर, ज्यादा चांसेस क्या होगा, 90% चांसेस हो जाएंगे कि आंसर वही होगा जहां पर आपका अवसर वर्ड यूज होगा।
चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। देखिए हम ना भले कक्षा में एक योजना बना सकते हैं, समान रूप से बच्चों पर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बच्चा समान गति से आगे बढ़े ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों का विकास जो होता है वो अलग अलग रूपों में होता है, व्यक्तिगत रूप में होता है। किसी का आईक्यू लेवल अलग होता है, किसी की सीखने की क्षमता अलग होती है, कोई जल्दी सीखता है कोई लेट से सीखता है, तो सभी के सीखने की गति क्या होती है? अलग होती है। हाँ, अगर टीचर का जो योजना है, योजना भले एक हो सकता है, अगर कोई टीचर सिखाने के लिए योजना क्या कर रही बना रही तो वो जरूर आपका एक हो सकता है, लेकिन सीखने की गति क्या होगी? अलग अलग होगी। अगला ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। नहीं, ये सब क्या है? निगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। अवसर मिले सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना, कि बच्चा जरूरी नहीं आपकी आप बच्चे को बार बार पढ़ाई पर फोर्स डालें। बच्चा जो बनना चाहता है, अगर वो गायक बनना चाहता है, अगर वो डांसर बनना चाहता है, अगर वो पेंटर बनना चाहता है, अगर वो पोएट्री लिखना चाहता है, स्टोरी लिखना चाहता है, अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है, अगर वो किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, अगर वो आर्मी में जाना चाहता है, तो आप उस चीज के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है ना कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे अपनी संभावनाओं को प्राप्त कर सके, कि बच्चा जो लाइफ में चाहता है वो उसे प्राप्त कर सके, ना कि आप उन्हें किताबों के माध्यम से क्या करें, उन पर फोर्स डालें या दबाव डालें। अब ये क्या है? समावेशी शिक्षा की एक बच्ची है जो क्या करती है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये गणितज्ञ बनना चाहती है, तो टीचर क्या कर रही है? गणित के लिए इसे प्रोत्साहित करती, तो इसके दिमाग में बहुत सारे लॉजिकल थिंकिंग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर। क्या होगा ऑप्शन? समावेशी शिक्षा, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण ये तो नहीं हो सकता, विश्व बंधुता भी नहीं हो सकता, सामाजिक संतुलन। देखिए इन सबको मिलाए ना, तो हम क्या करते हैं, समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? समता, सभी के लिए समान शिक्षा या समता एवं समान अवसर। तो जो आपका समावेशी शिक्षा है वो क्या करता है? सब चीज को समेट कर चलता है, इसका नाम है समावेश करना। तो ये समेट कर शिक्षा कर चलता है, ये सभी लोगों को क्या करता है, सभी के लिए समान शिक्षा और सभी के लिए प्रोवाइड कराता है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। हम लोग बार बार समावेशी वर्ड पढ़ रहे हैं, अब आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि समावेशी का अर्थ होता क्या है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में देना शिक्षा, ये बहुत गलत बात है, समावेशी सभी के लिए समान शिक्षा की बात करता है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालय में विशिष्ट कक्षा में भेजना, ये भी गलत बात है कि अगर कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप उसको अलग से कक्षा में बैठा दें। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देना, क्या सिर्फ अधिकतम समय शिक्षा देने से बच्चा आगे बढ़ जाएगा क्या? नहीं, तो ये गलत बात है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना, ये भी क्या है आपका? निगेटिव वर्ड है। चलिए इसमें क्या पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। इसका ऑप्शन ई भी होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, समावेशी शिक्षा में समान रूप से शिक्षा दिया जाता है, कभी भेदभाव नहीं किया जाता है कि वो विशिष्ट बच्चे हैं तो उनको अधिकतम पढ़ाएं और जो सामान्य बच्चे उनको कम पढ़ाएं, सब गलत बातें हैं। चलिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, निगेटिव वर्ड। कभी कभार तैयार करना चाहिए, निगेटिव वर्ड, लापरवाही को दर्शा रहा है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, एकदम पॉजिटिव वर्ड है। जहां पर सक्रिय वर्ड यूज होना, समझ लीजिए वही आंसर होगा, क्योंकि 90% चांसेस हो जाते हैं जहां पर पॉजिटिव वर्ड यूज होता है।
अगला है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। ये सब क्या है, निगेटिव पॉइंट है। तो ये एक शिक्षिका है जो शैक्षिक योजनाओं के लिए क्या रहती है, सक्रिय रूप से तैयार रहती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइएगा। पहला ऑप्शन, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्या है, क्षमता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक शिक्षक है, अगर वो विश्वास करता है कि हर बच्चा क्या है, अपने आप में एक यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है, हर बच्चे के अंदर योग्यता होती है, अगर ये चीज अगर शिक्षक समझ जाए ना, तो कोई भी बच्चा विकास के क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, असक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया सहानुभूति। ये निगेटिव वर्ड है कि आप उन पर दया दिखा रहे हो, सहानुभूति बिल्कुल नहीं। आप उन्हें उनकी शक्ति से अवगत कराए, उनकी जो क्षमता उनसे अवगत कराए। ये नहीं कि अगर कोई बच्चा कम नंबर पा रहा है तो आप उन्हें थोड़ा ज्यादा नंबर देकर क्या कर रहे हैं, उन पर दया कर रहे हैं। ये सब क्या है, गलत बात है, निगेटिव वर्ड है। बच्चों को अपाहिज बच्चा मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गित करना चाहिए, ये एकदम गलत बात है, सबसे बुरी चीज है। इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए आपका क्या आया है, समावेशी शिक्षा लाया गया है, सभी के लिए समान शिक्षा, ताकि आपका जो दिव्यांग बच्चा है, ठीक, जो मंद बुद्धि बच्चा है या सामान्य बच्चा है, विशिष्ट बच्चा है, इन सब में क्या ना आए, फर्क नजर ना आए, इसीलिए आपका समावेशी शिक्षा लाया गया है। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना, केवल, जहां पर केवल वर्ड हो वहां पर तो समझ लीजिए 90% जो होता है चांसेस गलत होने का हो जाता है। तो ये आपके ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, कहां, विशेष विद्यालयों में, नहीं, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा, नहीं, अन्य समान बच्चों के साथ, हाँ ये सही हो सकता है, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ, ये गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, यहां से सवाल बनते हैं, डिसग्राफिया क्या होता है, डिसकैल्कुलिया क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। अभी इस पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका डिसलेक्सिया होता है तो ये आपके पठन संबंधी विकार होते हैं, जब बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है तो हम उसे कौन सी डिसीज कहते हैं, हम उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, गणितीय विकार नहीं, ये क्या होता है आपका, डिसग्राफिया होता है, डिसकैल्कुलिया होता है आपका गणितीय विकार, मानसिक विकास अलग होता है, व्यवहार संबंधी विकार, ये सभी को क्या क्या कहते हैं ये हम एक क्लास में डिटेल से समझेंगे। आपका डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है, इमेज द्वारा समझिएगा। अब देख लीजिए, एक बच्चा है जो उसको जब पढ़ने को बोला जाता है तो वो क्या पढ़ता है, उल्टा पुल्टा पढ़ता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं, जब बच्चा को पढ़ने में क्या होती है, तकलीफ होती है, तो ये एक प्रकार की डिसेज होती है, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। आपका कोई कक्षा 5 का बच्चा है जो न्यून दृष्टि का मतलब है जो ठीक से देख नहीं पा रहा है, जो बहुत कम, उसको कम दिखाई दे रहा है, तो निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना चाहिए, नहीं, माफ करना क्या है आपका, दया को दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है आपके, दया को दर्शा रहा है, तो ये एक निगेटिव वर्ड है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करना चाहिए, ये भी मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, सब क्या है, दया को दर्शा रहा है, और दया हमें नहीं करना है बच्चों पर। कक्षा में सामान्य रूप से वर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप ऑडियो सीडी के जरिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सहायता वर्ड यूज क्या हो रहा है, सामान्य रूप से वर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। हम किस में सहायता प्रदान कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने में हम उसको क्या कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि आप उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता देंगे, आप उनका माफ कर देंगे, तो ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। लेकिन अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है, एकदम कम देख पा रहा है, तो आपका क्या करेंगे, ऑडियो सीडी, मतलब वो क्या करेगा, चीजों को सुन पाएगा, जब वो सुन पाएगा तो उसे चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। कक्षा में विशिष्ट वर्ताव करना चाहिए या विशेष वर्ताव करना चाहिए, गलत है, कि जो बच्चा देख नहीं पा रहा है उसको बार बार आप उसके साथ उसको चॉकलेट दे रहे हो, उसको सहानुभूति दे रहे हो, उसके साथ प्यार से ट्रीट कर रहे हो और बाकी लोगों के साथ समान, तो कक्षा में क्या होगा, ऐसा
वो थोड़ा सा हीन भाव फील करेगा कि वो क्या है, थोड़ा सा सारे बच्चों से अलग है, दया का पात्र है, इसलिए शिक्षक उसके साथ ऐसा करे। एकदम सामान्य व्यवहार करिए, उसे पता ही मत चले कि वो इस बीमारी से क्या है, परेशान है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ। तो ये होती है आपकी समावेशी कक्षा। अब आता है आपका मोटिवेशन, यहां से आता है आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से आपके सवाल बनते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है आपका? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से भी सवाल बनते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन ये होता है जब हम किसी को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं किसी चीज के लिए, तो ये आपका मोटिवेशन होता है। खुद के अंदर से भी एक आता है कि नहीं ये मैं कर सकता हूं, तो ये भी क्या आपका सेल्फ मोटिवेशन है, आत्म अभिप्रेरणा है। चलिए समझते हैं क्या सवाल बनेगा इससे। जैसे एक ये मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, आई कांट, इसमें आप टी हटा देते हैं, आई कैन, मैं कर सकता हूं। क्या बनेगा आपका क्वेश्चन? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या करता है? शिक्षार्थियों, शिक्षार्थियों का मतलब जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाता है, केवल एक दिशा में। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है, हाँ ये अच्छा है, पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षार्थियों को स्मरण शक्ति, रटना, याद करना, ये सबको क्या करता है? समावेशी, निगेटिव मानता है। पिछली सीखी हुई को नए अधिगम से अलग करती है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई, ये भी सब क्या है? निगेटिव नहीं है, यहाँ पास लिखा है पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। आप जो भी चीजें सीखे हैं वो क्या करता है? मोटिवेशन नए चीजों से अलग करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन क्या करता है? आपको किसी भी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करता है, आपके अंदर एनर्जी लाता है, ना कि जो आप पहले से सीख चुके हैं और जो सीखने वाले हैं उन दोनों को अलग करता है। तो क्या ऑप्शन नंबर डी सही होगा? नहीं होगा। तो ये भी क्या है आपका? गलत हो गया। और ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन क्या बचा आपका? बी। बी करेक्ट है कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। अगला है, खालिस्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने, क्या बोला है? खालिस्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। हाँ, अगर बच्चा आपसे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से वो कक्षा में क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ले रहा है, उसके अंदर जिज्ञासा आ रही है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अभिप्रेरित का मतलब होता है आपका, अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब मोटिवेशन, एजुकेशन। निश्चित सी बात है, अगर बच्चे को पढ़ने में मन लग रहा है तभी तो वो आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, उसके अंदर आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। जब उसे डाउट होता है तभी तो वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने, तो ये सही आंसर है। अगला देखते हैं, कक्षा में एकदम खामोशी, ये निगेटिव वर्ड है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, अगर बच्चा उपस्थित है रोज रोज डेली डेली क्लास आ रहा है, इसका मतलब क्या वो मोटिवेट है? नहीं, ये गलत बात है। शिक्षा जो है आपको योग्य व्यक्ति बनाता है, आपको आपके सपने की तरफ ले जाने के लिए क्या करता है? आपको मोटिवेट करता है। तो ये आपका शिक्षा होता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तो ये इसका मोटिवेशन से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब ये है कि बच्चा क्या करता है आपसे जब प्रश्न पूछता है। अगला सवाल है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से कौन सा बेहतर होगा? आपका जो बच्चा है, मान लीजिए फर्स्ट से फिफ्थ क्लास का बच्चा है, ठीक है, आपका फिफ्थ क्लास बच्चा है, अब इनके लिए क्या सही रहेगा? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से सभी। तो बिल्कुल, अगर आप किसी बच्चे को क्या कर रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, तो उससे भी अच्छे से सीखेगा। अगर आप उनके सामने नाट्य प्रदर्शन कर रहे हैं तो भी बढ़िया से सीखेगा। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, बच्चे जो सीख कर आए हैं, हमेशा जो बच्चा होता है क्या होता है, घर से जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो बहुत सारी चीजों को सीख कर आता है, तो उसी के अनुभव के आधार पर बच्चा क्या करता है, आगे सीखता जाता है। तो ये भी सही है, इनमें से सभी। तो आपके ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, इसलिए आंसर डी होगा। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। ये वाला जो है ना आपका, इसमें हमेशा 45 माना गया है। एक बार हम इसको डिटेल से समझेंगे फिर इसके क्वेश्चन को करेंगे, पहले आप लोग इस टॉपिक को समझ लीजिएगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व, यहाँ पर दा का मतलब क्या है,
आपका दायित्व, दायित्व को पूरा करना चाहिए। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना चाहिए, बिल्कुल। शिक्षक अगर अनुशासन, वैसे अनुशासन को तो थोपने पर मना करता है, लेकिन यहाँ पर एक है, अगर नियमित रूप से हो रहा है, ये मोटिवेशन को दर्शाता है। अगर शिक्षक समय पर उपस्थित हो रहा है तो बच्चा भी क्या होता है, मोटिवेट होता है, अभी प्रेरित होता है कि मैं भी समय पर पहुंचूंगा क्योंकि मेरा जो शिक्षक है वो समय पर पहुंचता है। तो ये तो सही बात है। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, बिल्कुल। जो बच्चे का पाठ्यक्रम है, जो उद्देश्य है, उसे समय पर पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना। दिए गए समय पर अगर शिक्षक उसे पूरा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसके दायित्व को दर्शा रहा है। तो ये तीनों अगर सही है तो उपरोक्त सभी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको समझिएगा। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है क्या होगा, गणित शिक्षण क्यों पढ़ाया जाता है गणित, तो बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना। सिर्फ अंक गणित का ज्ञान देने के लिए क्या बच्चों को गणित पढ़ाया जाता है, नहीं। बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, हाँ ये अच्छा हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप अंक गणित का ज्ञान दे रहे हैं तो ये गणित का उद्देश्य हो गया। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, ये भी एकदम सही है। बच्चों का संवेगात्मक विकास करना, संवेगात्मक जो है आपका इमोशनल डेवलपमेंट से है, तो ये कुछ हद तक सही हो सकता है, इसे हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है, सबसे मुख्य उद्देश्य को चुनना है। तो क्या होगा आपका, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना गणित शिक्षण का उद्देश्य होगा, क्योंकि बच्चा गणित में क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने में अपनी ही मदद करता है। जितना ज्यादा बच्चा गणित करेगा उतना ही ज्यादा वो चीजों को सोचेगा, उस पर तर्क करेगा और वो चीजों को कर लेगा। तो ये होता है गणित शिक्षण, जो बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करता है। आप देखते होंगे कि जो बच्चा गणित कर लेता है उसमें एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, एक आत्मविश्वास होता है कि मैं कर लूंगा। लेकिन जो बच्चे ऐसे, आप अपने ही आसपास के लोगों में देखिएगा, खुद में ऑब्जर्व करिएगा, जब आपको मैथ्स नहीं आता तो ऐसा लगता है कि पता नहीं एग्जाम निकलेगा कि नहीं, मेरा तो मैथ्स वीक है। तो मैथ्स जो है ना, जो गणित है वो क्या करता है, आप में आत्मविश्वास को पैदा करता है। तो गणित शिक्षण क्या करता है, आत्मविश्वास को पैदा करता है और तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता भी विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या फ्रेम 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, पूछा है, नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तो है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, बिल्कुल है। आपको जो NCF 2005 है वो रटंत प्रणाली से क्या करता है, दूर करता है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये सिर्फ तो नहीं हो सकता कि NCF 2005 है जो बोलता है बच्चों को आप केवल क्या करें, अंग्रेजी में शिक्षा दें, ठीक है। तो ये क्या है आपका, निगेटिव है। बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कि आप केवल क्या करें, अंग्रेजी भाषा में बच्चों को शिक्षा दें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। क्या हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है आपका NCF 2005, क्या सिर्फ एक भाषा की बात करता है, क्या द्विभाषा की बात करता है, क्या केवल तीन भाषा की बात करता है, नहीं। जो आपका NCF 2005 है वो बहुभाषा की बात करता है। वो बोलता है कि जो बच्चा जिस भाषा में जितना कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल मतलब कि जितना ज्यादा वो अच्छा महसूस कर रहा है, इजी महसूस कर रहा है। एक होता है ना कि बच्चे का जो लैंग्वेज है वो उसके घर का लैंग्वेज होना चाहिए, हमेशा वो अपने फर्स्ट लैंग्वेज को प्राथमिकता देनी चाहिए, स्कूल में बात होती है। तो कहीं का भी बच्चा हो, जैसा भी हो, जो जो जिस जिस लैंग्वेज में कर रहा है उसे हम प्रोत्साहित करेंगे। तो ये NCF 2005 का वो है, याद रखिएगा, बहुभाषा। तो भाषा के लिए बहुभाषा को निहित किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम मिलते हैं अगले टॉपिक पे, रिवीजन करते चले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कॉम्पिटिशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू।
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।